कपूरथला से 11 अप्रैल को लापता हुए 13 वर्षीय 9वीं कक्षा के छात्र जसकिरत सिंह की लाश कपूरथला गोइंदवाल रोड जिला तरनतारन से एक बोरी में से बरामद हुई है। लाश की पहचान करने के बाद लाश को कपूरथला सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि जसकिरत 11 अप्रैल को शाम घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गया पर वापिस न आया, जिसकी बहुत देर तक खोज करने के बाद भी जब जसकिरत ना मिला तो उसके परिजनों को एक फोन कॉल आया जिसमें जसकिरत के अपहरण की बात करते हुए 30 लाख की कथित फिरौती की मांग की गई, जिस पर पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर को ट्रेस करवाया तो वह एक प्रवासी मजदूर का निकला, जिससे वह मोबाइल 23 मार्च को छीना गया था। उसके बाद से ही पुलिस जांच कर रही थी पर 12 अप्रैल को जसकिरत की लाश एक बोरी में बंद तरन तारण से मिल गई है और इससे जसकिरत की दर्दनाक ढंग से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस अभी भी मामले की जाँच में जुटी है और दूसरी तरफ बच्चे की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। 11 तारीख शाम में 7:30 बजे नरेंद्र जीत सिंह उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने बेटा जिसकी करीब उम्र 14 साल उनका ट्यूशन पढ़ने 5 बजे स्कूटी से कर गया सी तो वापस लिया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इन जो मेरे ध्यान चाह मैं उन्होंने मिलया क्योंकि इन्हें वेट असी कार्रवाई स्टार्ट करती एफ आई आर दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती। अब करीब 4:15 बजे एक तरन तारण पंडारण तो मैसेज आया उधरों पंडारण से भी एक डेड बॉडी मिली है करीब इन बच्चे की याद हुई है क्योंकि असं पहले ही इन्फॉर्मेशन ये पास की हुई सी उसे मौके पर मैं गया उन्होंने घरदार भी मोहाल जाके उ डेड बॉडी शनाख्त की हुई बच्चा आया जसकीर सिंह डेड बॉडी लिया के पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल लिया है अगर टीम बनाई गई फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जलंधर से जाट टीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।